क्षेत्र से एक नया मामला सामने आया है, जहां पर आज ट्रक मालिकों ने आरोप लगाया कि दूसरी सड़क निर्माण होने के बावजूद टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि सड़कों के बीच जगह जगह गड्ढे हुए हैं और लंबुआ से सुल्तानपुर तक कई जगहों को सर्विस रोड भी अधूरा पड़ा है और हनुमानगंज रेलवे का ब्रिज भी अधूरा है और टोल कर्मियों द्वारा मनमाने तरीके से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। वही ट्रक मालिकों का कहना है कि मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि एक टोल चुकाने के बाद दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, जबकि इस टोल से दूसरी टोल यानी असरोगा की दूरी लगभग 31 किलोमीटर है। फिर एक ही जिले में दो बार टोल कैसे वसूला जा सकता है? आरोपों के मुताबिक टोल टैक्स वसूलना मनमानी है और पूरी तरह से फर्जी है। वही ट्रक मालिकों का कहना है कि इस टोल टैक्स को बंद करवाने के लिए डीएम को शिकायती पत्र देंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाकर न्याय मांगेंगे। आइए सुनते हैं इस पर ट्रक मालिक पप्पू दुबे और टोल मैनेजर आशु सिंह भदौरिया ने क्या कहा। मेरा नाम पप्पू दुबे है, हम लोग ट्रक वाले हैं और चादा से हैं, सब ट्रक मालिक है। यहाँ पे आप ये ढकवा से सुल्तानपुर तक इनकी जीपीएल बनाई गई रोड पे ना सर्विस रोड कंप्लीट है, ना लंबुआ बाईपास का फ्लाईओवर रेलवे वाला कंप्लीट है, कुछ भी नहीं कंप्लीट है। अनावश्यक रूप से यहाँ पे टोल चालू कर दिया गया है। ट्रक वाले किसी भी सर्विस रोड से उतर नहीं सकते हैं और उनको पुरानी रोडों से जाना पड़ रहा है, इनका हाईवे कंप्लीट नहीं है और ये टोल वसूली चालू कर दिए हैं दो दिन से। हनुमानगंज का रेलवे पुल अभी बना ही नहीं, कोई उसमें कुछ कार्य नहीं शुरू हुआ है, गायत्री प्रोजेक्ट वालों ने काम ही नहीं किया और बता रहे हैं नचाई ने आदेश दे दिया टोल वसूली, और टोल वसूली कल से चालू कर दिए। मेरा नाम आशु सिंह भदौरिया है, टोल मैनेजर। कोई समस्या नहीं है, टेंडर हो गया, टोल चालू हो गया, बढ़िया चल रहा है। सर जितना कंप्लीट रोड है उसका ही चार्ज अभी लिया जा रहा है, जो नहीं बना है उसका भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जितना रोड कंप्लीट है उसका चार्ज लिया। मतलब जो आरोप लगा रहे हैं सब निराधार निराधार ये कैसे लगे? अगर इनको और जानकारी चाहिए तो ये जानकारी ले सकते हैं, ये फ्री करने का वो करने का उल्टा सीधा बोलने का क्या मतलब। अगर हमें टेंडर मिला है NHAI से, टेंडर हुआ है हमारा, हम लोग जब ही चला रहे हैं। पूरी रोड बन जाए कितना लगेगा? अब वो NHAI डिसाइड करेगा, अभी जो अमाउंट लग रहा है वो फिर आपके रेट लिस्ट आपको मैं आपको जो है दे दूंगा। आप देख सकते लोकल के लिए नॉन कमर्शियल व्हीकल को 330 रुपए का मंथली पास है, वो अनलिमिटेड ट्रिप रहती है एक महीने के लिए उसमें। ये थी सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता लालजी की रिपोर्ट। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए टुडे जुनून।